आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय भद्पुरुषो, मातृशक्ति, कल हमने चर्चा की थी थोड़ा वानप्रस्थ की। आज गृहस्थ के ऊपर थोड़ी चर्चा आपके सामने। आज लगभग देखने में आता है, पहले एक समय था जब रिश्ते आदि पिता पुत्री के लिए, वधू के लिए वर की तलाश, और कोई पिता अपने बेटे के लिए वधू की तलाश करता था, और तलाश कर करके रहन सहन देख करके विवाह निश्चित कर देता था। और तब के वो विवाह निश्चित किए हुए अपने पूरे समय, जब तक ग्रस्त होता, आयु होता, जीवन होता, तब तक वो ग्रस्त सुख के साथ में, आनंद के साथ में, जीवन में दुख होवे, सुख होवे, आयु को प्राप्त होते पूरा जीवन तक पति पत्नी मिलकर के साथ रहा करते थे। तलाक जैसी बात तब कोई नहीं हुआ करती थी, संबंध विच्छेद जैसी कोई बात नहीं होती थी, पति पत्नी में भी इस तरह के विवाद किसी तरह के नहीं होते थे तब। आज देखना, लड़की लड़के को देखे, लड़का लड़की को देखे, पहले भी बातचीत हुए, मिलना जुलना हुए, सब तसल्ली करें, तब कुंडलियां आदियों का भी मिलान नहीं हुआ करता था। आज कुंडलियां भी बनवाई हुई हैं, कुंडलियों के मिलान करते हैं, जबकि ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते, ये कुंडली आदि कर्मफल जो दिया हुआ है ये अवैदिक है, परमात्मा ही सबके हृदय को जानता है, सबकी हृदय की बातों को जानता है, कल क्या होने वाला है ये परमात्मा के गर्भ में है। लेकिन कुंडलियों के नाम पर आज बहुत सारे अच्छे रिश्ते 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 समाप्त होते जा रहे हैं। बच्चों में आजकल सहन शक्ति नहीं है, पत्नी ने कुछ बोल दिया तो संबंधों में खटास आ जाती, पति ने कुछ बोल दिया तो संबंधों में खटास आ जाती। जब इसके मूल में जाते हैं तो इसका मुख्य कारण एक ही नजर आता है कि आज चाहे लड़का हुए चाहे लड़की हुए, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने से ये बेटियां भी सोचती हैं हम किसी के आश्रित तो है नहीं, अधीन तो है नहीं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास में जॉब है, इसलिए सहन करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई है। अगर वैदिक मनुस्मृति आदि में देखें तो कहीं भी किसी मंत्र में, मनुस्मृति में, कहीं भी महिलाओं के नौकरी करने का विधान कहीं नहीं आता, कहीं नहीं लिखा है कि वो नौकरी करे, जॉब करे, धन कमाए, पैसा कमाए। मनु महाराज जी भी मनुस्मृति में लिखते हैं वो अपने गृह कार्यों में दक्ष होवे, पाकशाला में वो दक्ष होवे, भोजन आदि बनाने में, घर की साज सज्जा में, घर को सुव्यवस्थित रखने में, बच्चों को अच्छे संस्कार देने में वो अपना समय लगावे। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई आज, हर कोई कहता है नहीं, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करो, उन्हें कमाओ, बेटियां भी कमाने लग गई, बेटे भी कमाते हैं, सबके अपने अपने पैकेज हैं, सबके अपने अपने पैकेज होते हुए सब कुछ चयन कर करके, सब देख करके रिश्ते होते, लेकिन उसके बाद भी इनमें खटास बढ़ती जा रही है। बहुत तलाक के मामले हम दिल्ली में देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, गुड़गांव में देखते हैं, सहनशीलता बच्चों की समाप्त होती जा रही है, बहुत मुकदमे तलाक के चल रहे हैं, बेटियां अपने घर हैं, आयु बढ़ती जा रही है,
मुकदमों के अंदर तारीख पर तारीख लगती जा रही है, क्योंकि वकील लोग जज लोग भी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते। वो कहते हैं कि पहले इन सबको थोड़ा शका देवें, जिससे परेशान होकर के तंग होकर के आपस में फैसला कर लें तो अच्छा है। तब वो स्थिति थी कि सब रिश्ते नाते चलते थे, पत्नी को यदि पति ने कुछ बोल भी दिया, डांट भी दिया, तो भी कोई कहता था अरे तुम्हारे पति ने ऐसा, बोले पति मेरा है, ये नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा, गलती यदि मेरे से हुई है तो पति तो कहेगा। इतनी सहनशीलता थी, आज ये सहनशीलता समाप्त हो गई है। विचार कर करके देखें, जब गृहस्थ में कहीं कोई खटपट होती है, कहीं फर्क आता है, तब ऋषि लोग चिंतन देते हैं, तुम ऊपर को आकाश की ओर देखा करो। बोले आकाश में क्या देखें, बोले सूर्य, और बोले धरती पर भी चला करो, जब चलो तो नजरें नीचे कर करके चलो, नीचे क्या देखें, बोले पृथ्वी को देखें। विवाह करने वाले युवा, विवाहित युवा, बेटे बेटियां, लड़के लड़कियां, सूर्य के गुणों को देखें, पृथ्वी के गुणों को देखें। जब इनके व्यवहार को आप देखेंगे तो ये जो आप तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये नहीं होगी यदि सूर्य का और पृथ्वी के गुणों को हम देखें। बोले क्या देखें, बोले जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक, जबकि अभी आधी आयु भी इसे की नहीं आई है, जो कार्यकाल परमात्मा का है, सृष्टि का है, तब से लेकर के जब से सृष्टि बनी आज तक ये पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ये पृथ्वी सूर्य के आकर्षण में बंधी हुई, उससे आकर्षित होकर के उसके संबोधन में बंधी हुई, मोह में बंधी हुई, जब से सृष्टि बनी तब से सूर्य के ही चक्कर लगा रही है। बोले ये पृथ्वी से पूछा ऋषियों ने, तुम ये सूर्य के चक्कर क्यों लगा रही हो? तब पृथ्वी कहती, इस संसार के अंदर जितना तेजस्वी ये सूर्य है उतना तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं है। बोले इससे बड़े तो हैं आकार में? बोले हाँ, बृहस्पति इससे बड़ा है, लेकिन जितने भी तारागण हैं, मंडल हैं, ये सब जितना आकर्षण सूर्य में है उससे बेहतर कोई है नहीं। और जब से सृष्टि बनी तब से परमात्मा ने मुझे वरण करने के लिए सूर्य को ही दिया है, इसलिए ये श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे प्रकाशित है, इसलिए मैं इसी के चक्कर लगाती हूं। बोले कब तक लगाती रहोगी? बोले जब तक ये सृष्टि है परमात्मा की, तब तक सूर्य के ही चक्कर लगाऊंगी, इसी के चक्कर लगाती रहूंगी। सूर्य से पूछा, महाराज ये पृथ्वी आपके चक्कर लगाती है, मत लगाने दो इसे पृथ्वी को चक्कर, तुम्हारे चक्कर क्यों लगाती है, ना लगाने दो। तब सूर्य देवता भी कहते हैं, परमात्मा ने इसे मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए तैयार किया है, और इसके जो चक्कर लगाना है ये खाली इसके स्वभाव में नहीं है, मेरे अंदर जो सम्मोहन की शक्ति है, आकर्षण की शक्ति है, तेज की शक्ति है, इस शक्ति से मोहित होकर के ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, और आप देखते हैं अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। पता लगता संदेश ऋषियों का चिंतन होता, पत्नियों को चाहिए कि वो जिसका एक बार वरण कर ले में, तसल्ली कर करके, देखभाल कर करके, जिसका एक बार हाथ थाम ले में, उस पति के ही चक्कर लगाया करें। बोले कैसे लगाया करें? बोले जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लगाती आ रही है, लगाती रहेगी, कब तक? जब तक जीवन है, जब तक आयु है, तब तक लगाती रहेगी। तो पत्नियों को भी चाहिए कि वो पति के ही चक्कर लगाएं, पति के ही संबोधन में, उन्हीं के आकर्षण में बंधी रहे। बोले पति कैसा हो? बोले सूर्य के जैसा हो, जैसे सूर्य आकर्षित है, प्रकाशित संसार को करता है, अपने गुणों से गुणवान होते हुए, अपने आकर्षण से
अपनी पत्नी पृथ्वी को संबोधन में बांध करके रखता है, उसे मोहित करता है अपने आकर्षण से, और उस मोहित हुई पृथ्वी वो जो चक्कर लगाती है। इसलिए पति वही है कि जो अपने पति को अपने गुणों से, अपने तेज से, अपने ओज से, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर करके उसे मजबूर करे कि तुम मेरे ही चक्कर लगाओ। बोले पति में प्रकाश ना हो तो, गुण ना हुए तो, बोले ऐसे पतियों की दुर्गति होती है जिनमें कुछ ओज ना हो, तेज ना हुए, गुण ना हुए, संस्कार ना हुए, जिसकी कोई दिनचर्या ही ना हो, जिसका कोई समय ना हो, जब चाहे खा लिया, जब चाहे पी लिया, जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, जिसका जीवन केवल सोना खाना पीना इसी में रहता है, धर्म का कोई व्यवहार वो नहीं करता, ऐसा पति यदि विवाह बंधन में बंध जाएगा तो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए ऋषियों ने विधान किया, विवाह किसका होवे जिसके चेहरे पर तेज हो, विवाह किसका हो जो स्वस्थ और निरोगी हो, विवाह किसका हो जिसका सीना तना हुआ हो, जिसके कंधे उठे हुए हो न के झुके हुए हो। ऐसा व्यक्ति जब विवाह कर करके संसार में रहता है तो पत्नियां इसके मोह में बंद करके, इसके गुणों से होकर के, गुणवती होकर के इसके चक्कर लगाती हैं। इसलिए पतियों को चाहिए कि वो गुणवान बने, अपने तेज को बना करके रखें संयम के साथ में, अपने खान पीन को शुद्ध बना करके, क्योंकि उस खान पीन से जो ओज बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, वही चेहरे की लालिमा लेकर के आता है, वही चेहरे का तेज बनता है। और जो इस तेज को खो देते हैं, तेज को खोने पर आंखें भी देखना कम कर देती हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है, स्पर्श करने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए पतियों के लिए संकेत करते बोले वो अपने ओज को संयम से रहते हुए, अपने तेज को, ओज को, अपने जीवन को गुणों से सुगंधित करें, जिससे ये पत्नियां इनके चक्कर लगाती रहें। ये पति पत्नी का रिश्ता तब तक जो परमात्मा ने निश्चित किया है पूरी आयु को प्राप्त हो। लेकिन इन सबके पास में एक दूसरा भी है, उसका नाम है चंद्रमा। ये चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित ये चंद्रमा प्रकाशित सूर्य के प्रकाश से है, लेकिन सूर्य का चक्कर ना लगा करके ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा से कहा, महाराज आप प्रकाशित तो सूर्य से हो रहे हो, फिर ये चक्कर पृथ्वी के क्यों लगा रहे हो? जिससे प्रकाश पा रहे हो चक्कर उसी के लगाओ, उसी के चारों तरफ को तुम भी घूमो। चंद्रमा कहता, माना कि मैं प्रकाशित तो हो रहा हूं सूर्य से, लेकिन चक्कर मैं पृथ्वी के इसलिए लगा रहा हूं कि ये पृथ्वी मेरी माता है, इसी से मैंने जन्म लिया है, परमात्मा ने निर्धारित किया है तो पृथ्वी का पुत्र है, इससे उत्पन्न हुआ है। इसलिए पुत्रों को चाहिए, संतान को चाहिए कि वो पिता के प्रकाश से तो प्रकाशित हो, उसके दिशा निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में, उसके संस्कारों से, उसके दिए हुए आदेश से प्रकाशित होकर के रहे, लेकिन चक्कर माता के ही लगावे। अरे माता के क्यों लगावे? बोले परमात्मा का संदेश है, माता निर्माता भवती। ये माता ही संतान की प्रथम गुरु है, इस माता से ही संतान का उपकार होता है। बोले कैसे उपकार होता है? तब ऋषि दयान जी महाराज लिखते, जितना उपकार अपनी संतानों का माता करती है, इतना उपकार दुनिया दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए संतान को चाहिए कि वो माता के ही पास रहे, उसी के चक्कर लगावे। इसलिए चंद्रमा सूर्य के चक्कर ना लगा करके इस पृथ्वी के चक्कर लगाता है, अपनी माता के चक्कर लगाता है। परमात्मा ने ही इस माता को संतान का प्रथम गुरु निश्चित किया। जो लोग कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, कोई गुरु बनावे निर्गुरा संसार से जाएगा तो क्या होगा, इस तरह के आडंबर इस तरह के बनाए जाते हैं। बोले निर्गुरा संसार से जाएगा
तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने हमारे लिए तो गुण निर्धारित किया हुआ, इधर जन्म लिया, संसार में आए, तभी परमात्मा ने हमारे गुरु का निश्चय कर दिया। उसने कहा प्रथम जो गुरु है माता है। और बोले बड़े हुए थोड़े धीरे धीरे, तो तब ऋषि ध्यान जी महाराज कहते जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उसका गुरु बदल जाता है, तब उसका गुरु पिता बन जाता है। बोले पिता के बाद में, बोले बच्चा और धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए, विद्या का ग्रहण करने के लिए आचार्य कुल में पहुंचता है, गुरुकुल में पहुंचता है, विद्यालय में होता है, तब उसका गुरु आचार्य बन जाता है। बोले तीनों गुरु, तब ऋषि चिंतन देते इन तीनों गुरुओं के आदेश से, आचरण से, व्यवहार से ही संतान उन्नति को प्राप्त होती है। माता अपनी संतान को वो शिक्षा देवे, क्योंकि माता पहली गुरु है। और आपने चिंतन करके कभी देखेगा जब बच्चे का जन्म होता है तो तब बच्चा किसी की पहचान नहीं करता, लेकिन लगभग 4-5 दिन के बाद में बच्चा माता की सुगंध को अनुभव करने लगता है। छोटा बच्चा माता के पास है, जिधर माता जाएगी बच्चे की नजरें उधर ही घूमती हैं, उसकी सुगंध को अनुभव कर करके वो देखता है, माता की पहचान कर लेता है। माता के दिए हुए प्राण बच्चे के अंदर होते हैं, माता अपने भोजन में से नाल द्वारा बच्चों को भोजन से जो माता के संस्कार होते हैं, जो माता के गुण होते हैं, जो पिता के संस्कार होते हैं, उन्हें लेकर के ही बच्चा आता है। कुछ माता पिता के, कुछ उसका प्रारब्ध होता है। इसलिए ऋषि लिखते हैं जब गर्भ में संतान हुए माता को चाहिए उनका खान पीन शुद्ध हो, उनका स्वाध्याय धार्मिक ग्रंथ आदियों का हो, उनका चिंतन उनका विचार ही उत्तम होवे, क्योंकि इस गर्भ में रहते हुए बालक के अंदर इन सब विचारों का, खान पीन का, व्यवहार का, आचरण का प्रभाव होता है। वही व्यवहार लेकर के संतान इस संसार में आती है। और इसे लिखते अरे सौभाग्य है उन संतानों का जिनके माता पिता धार्मिक हुए। धार्मिक होना, विद्वान सब नहीं बन सकते लेकिन धार्मिक सब बन सकते हैं। धर्म का आचरण आप करें तो आप धार्मिक हैं। विद्वान होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, गुरुकुल में जाना होता, स्वाध्याय करना पड़ता, लेकिन धार्मिक होने के लिए क्या? बोले जो धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, राम के जीवन को हम देखें, राम जैसे बनने का प्रयास करें, राम के व्यवहार को अपने जीवन में धारण करें, धार्मिक हो गए। श्री कृष्ण महाराज योगी राज थे, धार्मिक व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनके व्यवहार को पढ़ करके, उनके व्यवहार को अपने जीवन में धारण करें, आप धार्मिक हो गए। ऋषि ध्यान जी महाराज के द्वारा दिया गया सत्यार्थ प्रकाश, आप वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, दर्शन नहीं पढ़ सकते, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके, व्यवहार में ला करके, जीवन में धारण कर करके आप धार्मिक हो गए। धार्मिक होने में ज्यादा पुरुषार्थ मेहनत नहीं करनी पड़ती, विद्वान होने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए संतान को चाहिए, संदेश देते ऋषि ध्यान जी महाराज, बोले माता पिता को चाहिएगा कि अपने संतान को विद्वान बनावे, उसे अच्छे बुरे की मार्गदर्शन करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। ये कब सिखाएंगे? जब माता पिता खुद जानते होंगे। अब माता ही बोले बेटे से जा शिव की पिंडी पे जल चढ़ा करके आ, अब बच्चा जाएगा, उसे ज्ञान ही नहीं है, माता का निर्देश है। इसलिए माताओं को चाहिए, पिता को चाहिए कि वो खुद ज्ञानवान बने, संस्कारी बने, अच्छे बुरे को जानने वाले होंगे। जब ये जानने वाले होंगे तो संतान भी जानने वाली होगी। बोले ना जानने वाली हो तब ऋषि चिंतन देते तब यदि माता पिता अज्ञानी होंगे, अविद्या में फंसे रहें, तब इनकी संतान की दशा वही होती है जो हंसों के बीच में बुगले की होती है। विद्वानों के बीच में जब वो अविद्या से ग्रस्त बालक जाता है तब उसकी स्थिति बुगले जैसी होती है। वो कैसे, उसे पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए,
कुछ लोगों का व्यवहार भी होता है, मैंने देखा। यदि आप समाज में नहीं बैठते हैं, विद्वानों में नहीं बैठते हैं, विद्वानों से मित्रता नहीं रखते हैं, तब आपकी भाषा शैली भी अलग ही तरह की होगी, वो फिर बैठेगी नहीं है, बात कोई और चलेगी, आप कुछ और कहेंगे, तब पता लग जाता है कि ये कोई विद्या से संस्कारित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि तालमेल नहीं बैठता भाषा का व्यवहार का। आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है। इसलिए मनुष्य अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को विद्वानों का संग करना सिखाएं, उनके साथ में बैठना सिखाएं। उठना बैठना, आचरण व्यवहार करना क्या होता है? पहले हम देखते हैं बचपन में कि कभी भी चारपाइयां होती थी, अब भी होती है हमारे यहां तो बहुत चारपाइयां, तो कभी भी पिता के सिरहाने ऊंचे स्तर पर संतान नहीं बैठती थी, नीचे बैठती थी, पैरों की तरफ बैठती थी। यदि हम चेयर पर बैठे हैं, कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो कभी भी पिता की ओर, बुजुर्गों की ओर, विद्वानों की ओर पैर कर करके नहीं बैठा जाता था। ये सिखाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे, बेटा अपने बड़ों के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उनकी ओर पैर कर करके नहीं सोना चाहिए। कौन सिखाता है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे, जब संस्कार देंगे तब यही बच्चे आगे चल करके धर्म का पालन करेंगे। इसलिए पुरुषार्थी बन करके, माता पिता कैसे बन करके, जैसे सूर्य होता है, जैसे सूर्य का आकर्षण होता है, ऐसे अपने अंदर आकर्षण पैदा करें। पैदा कहते होता है आकर्षण, जब आप परोपकार करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप धर्म का पालन करते हैं, तब अंदर से ही, जैसे कश्मीर का सेब होता है, इसे बाहर से कोई लाल नहीं करता, ये लालिमा इसके अंदर से ही निकल करके आती है। जब आप धर्म का पालन करें, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, धर्मापूर्व आचरण व्यवहार करेंगे, तब आपके अंदर से एक लालिमा निकल करके आएगी और जो आपके चेहरे पर प्रकट हो जाएगी। इसे प्रकट करने वाला भी परमात्मा है। आप कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लेवे, करीम लगा लेवे, ये प्रकट नहीं होती है। कौन करता? परमात्मा, क्योंकि शरीर को चलाने वाला परमात्मा है, अंदर से सारे इंस्ट्रूमेंटों को चलाने वाला परमात्मा है, भोजन से रस रक्त आदि बनाने वाला परमात्मा है। इसीलिए आपके कर्मों को देख करके, अपने पुण्य कर्मों को देख करके, तब आपके अंदर से परमात्मा प्रेरणा कर करके आपके चेहरे पर ओज उत्पन्न कर देता है, तेज उत्पन्न कर देता है। तब ये तेज, ये आकर्षण आपका बोलता है और व्यक्ति चलते हुए को देख करके कह देता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ बात है। ऐसे ही विद्वानों की संगत प्राप्त कर करके व्यक्ति की बातचीत व्यवहार को शब्द प्रकट होते ही के साथ में सामने वाला पहचान लेता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पहचान हो जाती शब्दों से। और तब हमें ध्यान आता है, हम सुना करते थे कि तब कोई कहा करते थे, विद्वान बोले, संसार के अंदर जब कुत्ता भौंकता है तो उसकी नस्ल का पता लग जाता है, कुत्ते की आवाज से उसका जानने वाला बता देता है, ये एलिसेशन है, पमेलियन है, कौन सी नस्ल का है, कौन सा शेफर्ड आदि होते हैं, आवाज से पता लग जाता। और मनुष्य जब बोलता है तो उसकी अकल का पता लगता है, कुत्ता बोले तो नस्ल का पता, और व्यक्ति बोले तो अकल का पता लग जाता है। इसलिए बच्चों को विद्वान का संग करना सिखाएं, विद्वान को साथ में बैठना सिखाएं, बेटा बात करो, घर पे आए हैं इनसे चर्चा करो, चर्चा करो, पूछो, कोई मन में संशय हुए, कोई सवाल हुए, वो पूछेंगे, बात करेंगे, विद्वान से बात करेंगे, विद्वानों से आचरण व्यवहार में जब देखेंगे तो उनका भी व्यवहार बदलेगा, उनका व्यवहार भी सुधरेगा। जैसा हमने कल चर्चा की थी, आदरणीय त्रिलोचन जी बैठे हैं, आधा घंटे तक बेटा भी बैठा, पुत्र वधू भी बैठी, उनकी भी कुछ बातें थी, कुछ हमारी भी सुनी, कुछ हमने उनसे सुन के ली, कुछ उन्होंने हमारी सुनकर ली, पता लगा। और सत्संगी लोगों के व्यवहार में अंतर होता, आदरणीय बदपुरुषो, शालीनता का व्यवहार बच्चों का, पुत्र वधू का एकदम से सरस्वती जैसा व्यवहार, पुत्र का श्रवण कुमार जैसा व्यवहार, कारण क्या है? सत्संग। सत्संग से अभिप्राय यही है, बोले जो असत्य को छुड़ा देता है
सत्य को आपके साथ में जोड़ देता है। ये जरूरी नहीं है ऋषि ध्यान जी महाराज से पूजा सत्संग क्या, ये भागवत है, गीता है, पुराण है, क्या ये गलत है? ऋषि ने चिंतन दिया, जो वेद से मिलान होवे वो सत्य है और जो वेद के विरुद्ध होवे वो असत्य है। सत्संग के नाम पे जो सत्संग होते हैं तो उनमें भी सारी बात गलत नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है। इसलिए वेद के साथ में मिलान कर ले, पति पत्नी मिलकर के प्रीति से घर में रहते हैं तो वेद ये बात कहता है। माना कि वार्य समाज में नहीं आते हैं लेकिन पति पत्नी मिलकर के रह रहे हैं, प्रीति से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो ये वेद ही कहता है कि इन माता पिता की सेवा, ये देवता हैं, इन देवताओं की सेवा करो, बच्चे करते हैं तो वेद की बात है। बच्चों का व्यवहार सत्य पे आधारित है, आचरण श्रेष्ठ है, उनका खान पीन शुद्ध पवित्र है, वेद कहता है तो वो आचरण कर रहे हैं वेद का ही, धार्मिक वो हो गए। इसलिए आदरणीय बदपुरुषो मातृशक्ति, पति अपना आकर्षण बनाकर के रखें जिससे पत्नियां उन्हीं के चक्कर लगावें, और संतान को चाहिए कि वो माता के संपर्क में रहें क्योंकि माता ही सबसे पहली गुरु परमात्मा ने निश्चित की है। और मुझे स्मृति में आता है संसार में एक सवाल दिया गया था, सवाल ये था कि मां क्यों जरूरी है, मां किस लिए जरूरी है, मां क्यों होनी चाहिए। तब उसका आंसर जिसे उन्हें प्राइज दिया था उस व्यक्ति ने लिखा था, मां इसलिए जरूरी है कि 90 साल का 100 साल का यदि बेटा हो और मां जीवित होवे तो 100 साल का व्यक्ति मां के सामने अपने दुख प्रकट कर देता है, उसकी गोद में सर रोक करके रो देता है, मां के सामने रोता है, मां के सामने दुख प्रकट करता और किसी के सामने नहीं करता, इसलिए मां जरूरी है। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, पति बन करके रहें, आजकल के नौजवानों का खान पीन गड़बड़ है, वो शुद्ध बना करके रखें और संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होवें। जब सुगंधित उनका जीवन होगा तो पत्नियां निश्चित रूप से आपके आकर्षण में बंधी हुई आप ही के चक्कर लगाएंगी, और यदि आकर्षण नहीं है, संस्कारों की सुगंध नहीं है, जीवन बिगड़ा हुआ है, फिर दोष तुम्हारा है, पत्नी तो फिर अपमान करेगी ही, पत्नी तो फिर किसी और के चक्कर लगाएगी। इसलिए संस्कारों से सुगंध से बंधे पति अच्छे संस्कार वाला बने। और इस संसार में शादियां पुरुष नहीं करता, स्त्रियों के चाहने से ही विवाह होता है, ये जिसका वरण कर लेती हैं उसी के साथ में जीवन व्यतीत कर देती हैं, ये करती हैं। हम चाहे पुरुष चाहे हम किसी से विवाह कर ले, नहीं होगा, स्त्रियां जिसे चाहती हैं उससे विवाह होता है। इसलिए अपने घर परिवारों को उत्तम संस्कारों की सुगंध से सुगंधित करें, पत्नी अपने गुणों से विद्यमान हुए, पति अपने गुणों की सुगंध से सुगंधित होकर के जीवन जीवे, संतान अपनी प्रथम गुरु माता से ही उसके संस्कारों से अपने जीवन को सुगंधित करे। जब हम ऐसा करेंगे तो घर परिवार में ये जो तलाक होते हैं, जो विवाद होते हैं, ये होने बंद हो जाएंगे। कब? जब हम सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से उनके गुणों को अपने जीवन में मिलान कर करके जो कमी है उसे ग्रहण करेंगे, तब हमारा जीवन, हमारा ग्रह सुखी होगा, आनंद में होगा। आइए परमात्मा से प्रार्थना करें वो हमें इतनी सामर्थ्य देवे, इतनी मेधा बुद्धि देवे कि हम पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आदि इन देवताओं के गुणों को जीवन में धारण करके अपने परिवार को आनंद में बनाए, सुख में बनाए। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी श्रोता गुणों का हृदय से आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राहप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शाम शांति रेधि ओम शांति।
शांति शांति ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी।